चेक कर एक चीज जो है सरप्राइज, आप लोग देख सकते हैं एक उधर इसके अंदर बंद है ये। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल पेट लवर साहिल शेखावत। तो ये डिमांडिंग वीडियो है और डिमांडिंग वीडियो से ये कहना है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मतलब पेट लवर्स जो मेरे फैमिली में जुड़ रहे हैं वो लोग मतलब बहुत कमेंट कर रहे थे कि अपने पिजन का कलेक्शन दिखाइए। डॉग वॉग तो हम लोग ने देख लिया, अब पिजन का कलेक्शन देखना है। तो आज बहुत दिनों के बाद मतलब पंडित से मुहूर्त वहूर्त निकालने के बाद आज का दिन सेट हुआ था। तो आज हम लोग दिखाने वाले हैं पिजन, ठीक है ना, मेरे जो कबूतर हैं। ठीक भाई लोग, आप लोग से मुझे एक बहुत 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 बड़ा शिकायत है कि आउट ऑफ इंडिया से तो थोड़े बहुत के अच्छे खासे मतलब मुझे सपोर्ट मिल रहा है, पर खुद के यार खुद के कंट्री से इतना नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों को ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और जो पुराने वाले हैं वो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो कुछ कबूतर मेरे देख रहे हो जैसे कि ये अंदर हैं और कुछ बाहर हैं। तो बाहर वाले कबूतर जो भी है वो फॉस्टरिंग पेयर है, जिनसे कि मैं बस अंडे बच्चे मतलब पलवाता हूँ, और बाकी जो है वो मेरे मेन कबूतर है जो मैंने मतलब एक तरह से शौक से ही पाला है। मैं अभी उतना मतलब देता होता किसी को फोन ही, और प्लीज़ हाँ कोई कमेंट ना करे कि भाई ये कबूतर कितने में दे रहे हो, क्योंकि ये कोई भी कबूतर सेल के लिए नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से कबूतर हैं। तो चलिए कबूतर देखते हैं। हे गाइस, तो जैसे मैंने कहा था ये जितने भी कबूतर बाहर निकले हुए हैं ना, ये सब जो देख रहे हो ये लोकल भी है इसमें कुछ, उसके बाद कुछ ये जो साइड में ये रोलिंग पिजन है, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे ये सिराजी है, बहुत सारे लोग पहचानते होंगे। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि ये सारे फॉस्टरिंग पेयर्स हैं, इन सब से मैं बस अंडे बच्चे पलवाता हूँ। एक यहाँ भी है, ये नर है, ये नर किसी को चाहिए तो मैं दे दूँगा, ऐसे तो देने का मन नहीं है लेकिन मैं दे दूँगा क्योंकि इसका फ़ीमेल मेरे पास है नहीं, ये बस नर बचा होगा, ठीक है ना। इसका फ़ीमेल पता नहीं किसी ने पकड़ लिया था, उस एरिए का कोई था जिसने पकड़ लिया था। तो लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं हम लोग इस लॉफ्ट के अंदर। जैसा कि कबूतर साहब तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ अच्छे से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक कबूतर इसके अंदर बंद है ये, देख रहे हो ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कबूतर बंद क्यों है। ये कबूतर बंद होने का ना कारण है, इसने सबसे लड़ते रहता है। मैं दिखाता हूँ डेमो, ठीक है ना। पहले आप लोग इस कबूतर का शॉक कर ले। इसके पंजे तो टूट गए हैं लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं इसको यहाँ रखूँगा उसके बाद ये घूम के ना फिर इसमें चल जाएगा। ये आ रहा है, ये गया, ये अभी नहीं जा रहा। तो चलिए जब ये जाएगा तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये सारे मेरे कबूतर हैं, मैंने सारे के पन ये देखो ये अंदर चला गया है ना। अब ये जो ना सबको मारेगा, अब क्योंकि ये ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाला का मैंने न्यू पेयरिंग किया है, इसी वजह से ये दिक्कत दे रहा था, इसीलिए मैंने इसको वहाँ पे बंद कर दिया था। मैं फिर इसके साथ यही करने वाला हूँ। तो मैं इसको पकड़ने वाला हूँ, और इसको पकड़ने के बाद मैं इसके अंदर इसको रख दूंगा, ये अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये दो ब्लैक है, ये इसका पेयर है और ये वाला इसका पेयर है। तो ये सब सारे कबूतर हैं जिससे मैं अंडे बच्चे करवाता हूँ। इसका बच्चा मैं रखता नहीं, मैं सेल कर देता हूँ। ये दोनों पेयर है, ठीक है ना। उसके बाद एक पेयर यहाँ भी है, ये हंगेरियन है, और ये हंगेरियन में क्रॉस पे ही है फीमेल, पर बच्चे मतलब बहुत अच्छे निकालती हैं, ठीक है ना। इसके बच्चे मैंने कुछ दिन पहले कैलकटा भेजा था, ये वही बच्चों में से है। एक ब्लैक ये है, इसकी भी छोटी सी बेबी है, फीमेल है, सिंगल बेबीज है। एक अंडा मेरे से ही फूट गया था। और आप लोग ब्रीडिंग प्रोसेस भी इसी वीडियो में चेक कर ले। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये जो बेबी है ना, ये इसका बेबी है,
ठीक है ना। पर चेक कर एक चीज जो है सरप्राइज, हाँ ठीक से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा पता नहीं, फोकस नहीं ले रहा है। हाँ ये देखो पैर के पंजे कितने बड़े बड़े हैं और इसके चोंच देखो कितना छोटा है। पता नहीं, इस बेबी से बहुत उम्मीदें हैं कि बेबी मैं रखने वाला हूँ और ये सब तो मतलब बात चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यही अभी मतलब मेरे पास छोटा सा कलेक्शन है, मुश्किल से 12-13 पीस कबूतर है। और जो स्पेशल वाला था जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिमांड था वो पेयर है ये वाला, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं लोग, ये जो पेयर है ठीक है ना, ऐसा आप लोग देख सकते हो। दो बेबीज भी हैं इसके, मैं दिखा देता हूँ, अभी बहुत छोटे छोटे हैं ये दोनों बेबीज इसके ही है जी। मुझे लगता है ये फिर से अंडे देने वाला है, इसलिए ये लोग नीचे थे तो अभी लोग का खाना खाने का टाइम है, तो मैं इन लोगों को नीचे रख देता हूँ। चेक करिए नर, ये मेल है बहुत हैप्पी में, और ये भी नर है बहुत हैप्पी में। गाइस तो ये है लोटन, मैं जल्दी लॉट में आता नहीं, ये लोग को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, इसीलिए उतना फ्रेंडली नहीं है मेरे साथ, मैं फिर भी आपको। ये है लोटन ठीक है ना, ठीक इसका पेयर ही ये रहा, यहाँ पे ये पेयर है अभी डर के मारे इसके में घुसा हुआ है। एक हंगेरियन फीमेल है जो कि इसने अंडा दिए हुए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ फिर भी। ये मेल है, मैंने जहाँ से लाया था वहाँ उसके पंजे वो उखाड़ दिए गए थे, तो नए पंजे आ रहे हैं। मैं भी पंजे इसके साथ वैसे कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इसके सारे पंजे टूट गए खुद ही और खुद ही आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ठीक है ना। बाकी सब तो आप लोगों ने देख ही रखा है। आई होप आप लोग को मेरे पिजन का कलेक्शन अच्छा लगा, और भी बहुत सारे पिजन्स आने वाले हैं, बस थोड़ा सा ऑनेस्टली क्या होता है बजट का प्रॉब्लम है जिसके कारण नहीं आ रहा ठीक है ना। तो बजट वजह सब कुछ सही हो जाता है तो मैं फिर लेके आऊँगा, फिर बाकी दिखाऊँगा। और हाँ इंडिया वालों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ठीक है ना, कि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यार हर जगह सब कुछ अच्छा हो रहा है इंडिया में, तो मेरे साथ भी तो अच्छा होना ही चाहिए। ये न्यू ईयर प्लीज़ मेरे लिए स्पेशल बना दो आप लोग सब मिलके, तो इसीलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी इंडिया। और हाँ एक और बात, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक चीज़ जो है जो बहुत यूनिक है, ऐसे तो ये बोलना नहीं चाहता था फिर भी, लेकिन ये आज तक इंडिया में कभी किसी ने नहीं किया ठीक है, पर वो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि एक ऐसा पिजन जो आज तक कभी इंडिया में आया नहीं है वो आने वाला है इंडिया, जो कि आने वाला है ऑस्ट्रेलिया से ठीक है ना। तो जिनके यहाँ से आने वाला है उनका प्रॉपर वीडियो कैसे आने वाला है वो सब आने वाला है नेक्स्ट संडे, और संडे संडे मेरा वीडियो आया करेगा, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।